और रूस में विद्रोह के बाद पुतिन सख्ती दिखा सकते हैं। दरअसल पुतिन ने आज रक्षा मंत्रालय की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। रूस के रक्षा मंत्री पर इस बैठक के दौरान गाज गिर सकती है और बैठक से पहले पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन से जंग ही हमारी प्राथमिकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि वैगनर ग्रुप की बगावत को कुचलने के लिए चेचेनिया कमांडर के 25,000 जवानों की तैनाती कर दी गई। साथ ही रमजान कादिरफ ने पहले ही वैगनर चीफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वैगनर चीफ नहीं माने तो रमजान कादिरफ ने अपने लड़ाके वैगनर ग्रुप के खिलाफ उतार दिए। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को पर लगी हुई हैं। दुनिया ने वैगनर को यह कहते हुए सुना कि वो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। पूरी दुनिया ने पुतिन का वो बयान भी सुना जिसमें पुतिन ने कहा कि बगावत करने वाली हर ताकत का फन कुचल दिया जाएगा। इसके बाद दुनिया ने वैगनर चीफ को पीछे हटते भी देखा, लेकिन दुनिया ने जो नहीं देखा वो ये है। पुतिन ये देखकर चौंक गए कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता कैसे है। आखिर कैसे लोग वैगनर चीफ पेरोगिन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार हो रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं और आगे हम इनको डिकोड करने वाले हैं। लेकिन पेरोगिन की बगावत और पेरोगिन के समझौते के बीच एक और अहम कड़ी साबित हुआ पुतिन का सबसे खतरनाक सेनापति, पुतिन का सबसे वफादार सेनानायक रमजान कादिरफ। इधर मॉस्को में पुतिन बेचैन थे, उधर चेचन्या के अंदर रमजान कादिरफ का भी खून खौल रहा था। कैसे रमजान कादिरफ ने वैगनर चीफ पेरोगिन को फोन किया और पेरोगिन को समझाने की कोशिश की, और कैसे जब रमजान कादिरफ ने अपने सबसे एलीट और खून के प्यासे कमांडो मॉस्को भेजे तो पेरोगिन को झुकना पड़ा, ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन के बेहद तेज दिमाग की, जिन्होंने बहुत तेजी से बिगड़ती परिस्थितियों के बीच में हालात को अपने काबू में किया और वैगनर के अंदर पनप रही एक बहुत बड़ी साजिश को भी फेल कर दिया। दरअसल पिछले एक महीने से लगातार पेरोगिन खाली बैठा हुआ था। पेरोगिन के पास कोई काम नहीं था। रोस्तोफ शहर में पेरोगिन अपने हजारों लड़ाकों के साथ कैंप में था और कई एक्सपर्ट्स ने ये दावे किए कि पेरोगिन के साथ वैगनर ग्रुप के विदेशी लड़ाके भी रूस में घुस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप दुनिया के एक दर्जन देशों में फैला हुआ है। और इसी बीच पुतिन की सेना से लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप ने तैयारी पूरी कर ली और खबर तो ये भी है कि करीब 11 देशों में फैले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो। ये वैगनर ग्रुप की ताकत है। ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। लेकिन ये रिपोर्ट भी आई कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों और सीरिया से भी वैगनर ग्रुपों का जत्था लड़ने के लिए और पेरोगिन का साथ देने के लिए रूस आ रहा था। पुतिन ने इस संकट का समाधान करने के लिए सबसे पहले वैगनर चीफ पेरोगिन को बातचीत की टेबल पर लाया और पुतिन ने विद्रोहियों को जिस तरह धमकाया और डराया उसका असर भी देखने को मिला। обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил,
правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. पुतिन ने साफ कहा कि वैगनर आर्मी के जो सैनिक रूस के साथ हैं और जिन्होंने सोलेदार और बखमूत में जीत दिलाई है, उन सब का पूरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने देशद्रोह किया तो बागियों के फन को चल दिए जाएंगे। इसके बाद पेरोक्सिन के हर आदमी की सारी जानकारी हासिल की जाने लगी और इसके अलावा पेरोक्सिन को अपने ही लड़ाकों के बीच अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई और इसी दौरान चेचन्या में मौजूद रमजान कादिरफ से भी पेरोक्सिन को धमकी दिलवाई गई। रमजान कादिरफ ने ऐलान कर दिया, पुतिन के खिलाफ हुए विद्रोह को कुचल दो, यदि कोई भी कठोर कदम उठाना पड़े तो हम तैयार हैं। रमजान कादिरफ पुतिन का सबसे ज्यादा वफादार जनरल है। रमजान कादिरफ पहले ही ये कह चुका है कि पुतिन के लिए उसकी जान भी हाजिर है, उसके बेटों की भी जान हाजिर है और चेचन्या के एक एक इंसान को पुतिन के लिए लड़ने की खातिर तैयार करने का काम रमजान कादिरफ पहले ही कर चुका है। कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पेरोक्सिन को धमकी देते हुए लिखा, मॉस्को की घटनाओं को देखते हुए हालातों को नियंत्रण में लेने के लिए हमने चेचन लड़ाकों को रोस्तोफ भेज दिया है। समस्या को हल करने के लिए सशस्त्र बलों की दूसरी सेना एफजी अलाउद्दीनो और अखमत रेजिमेंट के कमांडर जैनदी जिंगी एव को यह जिम्मा सौंपा गया है। हमारे कमांडर घटनास्थल पर पहुंचकर पुतिन के आदेश का इंतजार चौकन्ने होकर कर रहे थे। हमारे चेचन योद्धाओं ने किसी भी कीमत पर मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध की तत्परता का प्रदर्शन किया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे चेचन लड़ाके रूस के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ के प्रति वफादार हैं। अखमत शक्ति की छह। जैसे ही पेरोक्सिन की बगावत पर पुतिन का बयान आया, वैसे ही कादिरफ ने एक और टेलीग्राम पोस्ट किया जिसमें पुतिन के खूब कसीदे पढ़े गए। कादिरफ ने कहा कि पेरोक्सिन ने पीठ में छुरा घोंपा है। कादिरफ ने बयान दिया कि पुतिन देश के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ हैं, जिनको रूस ने चुना है। पुतिन को यूक्रेन के युद्ध की जमीनी सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी दी है। कादिरफ ने वैगनर चीफ पेरोक्सिन को लताड़ते हुए कहा कि आज मॉस्को और रोस्तोव में जो घटनाएं घट रही हैं, उसका असर यूक्रेन के अंदर खाइयों में लड़ते हुए रूसी सैनिकों के दिमाग पर कितना खराब होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया कि हजारों चेचने लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं और वैगनर ग्रुप से लड़ने के लिए पुतिन ने चेचने लड़ाकों को आगे कर दिया। कादिरफ ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के महान सेनानियों और देशभक्तों से अपील करता हूं कि वो किसी भी उकसावे में नहीं आए। आपको जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उन्हीं पर ध्यान दें। देखिए कैसे पश्चिम के देश हमारे दुश्मन अब फायदा उठा रहे हैं। ये सब पेरोक्सिन की वजह से हो रहा है। मैं सभी वैगनर लड़ाकों से अपील करता हूं कि वो धीरज रखें, इस देश के भविष्य, अपने परिवार और बच्चों के बारे में सोचें। ऐसे किसी भी काम के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रमजान कादिरफ ने पेरोक्सिन को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन पेरोक्सिन के बागी तेवर तब ढीले पड़े जब रोस्तोव में कादिरफ के खास खूंखार चेचन लड़ाके उतर गए और कोहराम मचाने को तैयार हो गए। Введенный в нескольких регионах режим контртеррористической операции отменят в ближайшее время. Это подтвердили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию. Гарантия этого слова президента России.
Итак, Ростов-на-Дону, спокойствие на улицах, колонны ЧВК «Вагнер» покинули город. О том, что ситуация разрешилась, стало известно накануне вечером. Это итог очень сложных переговоров. Напомню, до этого с обращением к россиянам выступил Владимир Путин, и эта речь возымела действие. Бойцы, которые не участвовали в авантюрной пригожинской схеме, получат возможность заключить контракт с Министерством обороны. अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें यूरोप की मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिरोग्जिन रोस्तोव शहर में एक रॉक स्टार की तरह घूमता नजर आया। रोस्तोव के रूसी लोग पिरोग्जिन के साथ एक सेल्फी खिंचवाने को बेताब दिखे। जब रोस्तोव में वैगनर के काफिले सड़कों पर थे तो रूस के लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कई लोग काफिले के अंदर घुसकर वैगनर चीफ पिरोग्जिन से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। इन तस्वीरों ने पुतिन को काफी बेचैन कर दिया। पुतिन खुद को रूस का सर्वशक्तिमान शासक मानते हैं। वो अपने आप को लोकप्रियता के शिखर पर देखना चाहते हैं। लेकिन रूस की सड़कों पर पुतिन से बगावत करने वाले पिरोग्जिन का रॉक स्टार की तरह देखना पूरे अमेरिका और यूरोप को भी चौंकाने वाला है। वैगनर चीफ पिरोग्जिन को अब यह भी खतरा सता रहा है कि पुतिन ने अब उसे बेलारूस भेज दिया है और कहीं पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ही पिरोग्जिन का काम तमाम न कर दें। यही पिरोग्जिन के सामने अब सबसे बड़ा खतरा है।